दोस्तों स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम भारत के इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम्स के बारे में जानेंगे ये हमारे देश द्वारा बनाए गए सिस्टम्स हैं इनके बारे में आज हम डिटेल में जानेंगे लेकिन इनके बारे में जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर होता क्या है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर युद्ध का वो क्षेत्र है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के ऊपर लड़ा जाता है जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल हर एक मिलिट्री इक्विपमेंट जिसमें फ़ाइटर एयरक्राफ्ट टैंक्स गन्स और मिसाइल शामिल हैं इन सभी में इलेक्ट्रॉनिक्स का इस्तेमाल किया जाता है और इन्हीं इलेक्ट्रॉनिक्स को अंधा करने के लिए और क्रिपल करने के लिए ऐसे तरीके खोजे गए हैं जिससे दुश्मन के सिस्टम्स को पूरी तरह नकारा किया जा सकता है इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर में इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट और इलेक्ट्रॉनिक अटैक शामिल होता है इनको इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट मेयर्स और इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेयर्स का नाम दिया गया है अगर हम इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट मेजर की बात करें तो इसमें दुश्मन के थ्रेट का एनालिसिस और इंटरसेप्शन किया जाता है जिसमें ये रडार्स और कम्युनिकेशन सिस्टम्स के अगेंस्ट काम करता है और वहीं जो इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर सिस्टम होते हैं ये दुश्मन के सिस्टम्स के अगेंस्ट एक्शन लेते हैं और उनको जैम कर देते हैं इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर मॉडर्न वारफेयर का क्रूशियल फोर्थ डायमेंशन बन गया है और ऐसा युद्ध इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के ऊपर लड़ा जाता है जिसमें सोफिस्टिकेटेड डिटेक्शन जैमिंग इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया जाता है आज का युद्ध जो भी जीतेगा वो इस बात से डिसाइड किया जाएगा कि उसके पास कितना पावरफुल इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम है यही कारण है कि हमारी मिलिट्री भी ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम चाहती है जो कि भारत में बनाए गए हों और हमारी आर्म्ड फोर्सेस के लिए बनाए गए हों इसी जरूरत को पूरा करने के लिए 2005 में डी और बी और आर्मी की सिग्नल कॉर्प्स ने मिलकर एक कम्युनिकेशन जैमर बनाया था जिसका नाम था संयुक्ता संयुक्ता को मल्टीपल जैमिंग करने के लिए बनाया गया था इसका इस्तेमाल दुश्मन के अगेंस्ट वाइड रेंज ऑफ कम्युनिकेशन फ्रिक्वेंसीज के अगेंस्ट किया जा सकता था और इसके साथ ही कम्युनिकेशन और एलूमिनेशन में इस्तेमाल किए जाने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेट स्पेक्ट्रम के अगेंस्ट भी किया जा सकता था ये सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस और कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस को भी हैंडल कर सकता है अगर संयुक्ता सिस्टम को ऐसे और बनाए गए सिस्टम्स के साथ कंपेयर करें तो इसकी रेंज उनके मुकाबले में थोड़ी कम है संयुक्ता सिस्टम की रेंज 150 हंड्रेड फिफ्टी बाई सेवेंटी किलोमीटर्स है संयुक्ता एक डायरेक्शन फाइंडर के तौर पर भी काम करता है यह एक सिग्नल को इंटरसेप्ट कर, कर उसकी सोर्स का पता लगा सकता है यानी कि एक सिग्नल को पकड़ कर ये उसको एनालाइज कर कर ये पता लगा सकता है कि ये सिग्नल कहाँ से आया है ये संयुक्ता सिस्टम हर तरह की रेडियो फ्रिक्वेंसीज़ को जाम कर सकता है ये हाई फ्रिक्वेंसी से लेकर मिलीमीटर वेव फ्रिक्वेंसीज को भी जैम कर सकता है इसके साथ ही ये सिस्टम रेडार फ्रिक्वेंसीज को भी जैम कर सकता है इसके बाद डी ने एक ज़्यादा पावरफुल हिमशक्ति सिस्टम डेवलप किया था जिसने हमारे देश के लिए एक क्रेडिबल इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम इस्टेबलिश कर दिया था इस सिस्टम को इंडक्ट करने से पहले ही इसकी फील्ड एवेल्यूएशन और ट्रायल्स एक्चुअल एरिया ऑफ डिप्लॉयमेंट में हो गए थे यानी कि असल के युद्ध क्षेत्र में हो गए थे इसने हमारे देश की फायर पावर को बहुत ज़्यादा बूस्ट किया था इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम एक बहुत ज़्यादा पावरफुल सिस्टम है जिसमें दो व्हीकल्स या इससे ज़्यादा व्हीकल्स का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें एंटीनास और एक छोटी डिश एंटीना का इस्तेमाल किया जाता है ये दस हज़ार स्क्र किलोमीटर्स के एरिया में फ्रिक्वेंसीज़ को जैम कर सकता है हमारी आर्मी ने ऐसे सिस्टम को जम्मू एंड कश्मीर में इस्तेमाल किया है जिसमें ये वहाँ पर सिग्नल्स को जैम कर सकता है जो कि आतंकवादी इस्तेमाल करते हैं यह दुश्मन के वायरलेस फोन्स को जैम कर सकता है सेटेलाइट फोन्स को जैम कर सकता है और रेडियो रिसीवर्स को जैम कर सकता है और इसके साथ ही ये मोबाइल कम्युनिकेशन को भी जैम कर सकते हैं ये एक ट्रैक एंड व्हील बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम है जो कि ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों तरह की कैपेबिलिटीज को प्रोवाइड कर सकता है इस सिस्टम को ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि ये मैकेनाइज्ड फॉर्मेशन के साथ काम कर सके जब एक कॉन्फ्लिक्ट होगा तो इसका इस्तेमाल मैकेनाइज्ड आर्मी के साथ किया जाएगा जो कि दुश्मन की लाइन ऑफ डिफेंस को पेनिट्रेट करेंगी और इस मैकेनाइज्ड आर्मी को इलेक्ट्रॉनिक अटैक से प्रोटेक्ट करना होगा और क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम एक मोबाइल सिस्टम है यानी कि इसे कहीं भी लेकर जाया जा सकता है तो ये हमारी मैकनइज्ड आर्मी के लिए एक फ़ोर्स मल्टीप्लायर के तौर पर काम करेगी इसे सिग्नल इंटेलिजेंस सर्वेलेंस एनालिसिस और इंटरसेप्शन, डायरेक्शन फाइंडिंग और पोजीशन फिक्सिंग लिस्टिंग प्रायोरिटाइजिंग और कम्युनिकेशन जैमिंग के लिए इस्तेमाल कर किया जा सकता है ये हर तरह के रडार सिग्नल्स को जैम कर सकता है और ये युद्ध क्षेत्र में हमारे खुद के इलेक्ट्रॉनिक एसेट्स को भी प्रोटेक्ट कर सकता है और इसके साथ ही ये दुश्मन के सिस्टम को भी तबाह कर सकता है और उनकी कैपेबिलिटी को बहुत ज़्यादा कम कर सकता है ये सिस्टम टैंक फॉर्मेशन के साथ इस्तेमाल किया जाएगा ये दुश्मन के टैंक कम्युनिकेशन सेंसर्स और गाइडेंस सिस्टम्स को तबाह कर सकता है जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल के टैंक्स बहुत ज़्यादा एडवांस्ड हो गए हैं और वो कम्युनिकेशंस और अपने सेंसर्स और अपने गाइडेंस सिस्टम्स का बहुत ज़्यादा सहारा लेते हैं और अगर ऐसे सिस्टम दुश्मन के कम्युनिकेशन सिस्टम्स और दूसरे सिस्टम्स को ही जैम कर देंगे तो वो बिल्कुल अनधे हो जाएंगे और उनका हारना तय है ये दुश्मन की आर्टिलरी ऑब्जर्वेशन पोस्ट कम्युनिकेशन को भी जैम कर सकता है जिससे दुश्मन हमारी मूवमेंट को तो देख सकेगा लेकिन वो अपनी आर्टिलरी बैटरी को ये नहीं बता पाएगा कि वो उसे कहाँ पर फ़ायर करना है जैसा कि आप जानते हैं कि एक आर्टिलरी गन को फायर करने के लिए उसे लोकेशन प्रोवाइड करनी पड़ती है कि उसे कहाँ पर फ़ायर करना है और ऐसा काम करने के लिए आर्टिलरी ऑब्जर्वेशन पोस्ट लगाई जाती हैं जो कि आर्टिलरी बैटरी को यह बताती हैं कि उसे कहाँ पर फ़ायर करना है लेकिन ये सिस्टम उनके कम्युनिकेशन को ही जैम कर देगा जिससे वो अपने आर्टिलरी बैटरी के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे यहाँ पर आपको बताते हैं कि रशियंस को ऐसे जैमर्स के मामले में बेस्ट माना जाता है उन्होंने ग्राउंड बेस्ड जैमर्स को बहुत अच्छी तरह इस्तेमाल किया है उन्होंने यूक्रेन में एक बहुत बड़े एंटीना एरे को लगाया था जिसने कम्युनिकेशन जैमर के तौर पर काम किया था वहाँ पर उन्होंने आर थ्री थर्टी जेड एच जैटल सिस्टम इस्तेमाल किया था जिसने वहाँ पर मोबाइल कम्युनिकेशन को भी जैम कर दिया था और सैटेलाइट फ़ोन्स को भी पाँच हज़ार स्क्वेयर किलोमीटर्स के एरिया में जैम कर दिया था ऐसा ही सिस्टम उन्होंने सीरिया में डिप्लॉय किया था जिसका नाम कारकुशा था ये वहाँ पर रशियन एयर बेसिस को अमेरिकन और नेटो इंटेलिजेंस मिशन के अगेंस्ट गार्ड करता है और इसके साथ ही वहाँ पर उनके जैमर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जिसके कारण जिस एरिया में उनके ये जैमर काम कर रहे होते हैं वहाँ पर कोई भी कम्युनिकेशन नहीं हो सकती है और यहाँ पर आपको बता दें कि जब भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी तब हमारे देश ने इलेक्ट्रॉनिक्स वारफेयर को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया था हमारे देश ने पाकिस्तान के टी पी एस सेवनटी सेवन रडार एंड कम्युनिकेशन सिस्टम को जैम कर दिया था और इसके साथ ही पाकिस्तान के नेटवर्क सेंट्रिक सिस्टम्स में हैक कर लिया था जिसके कारण पाकिस्तान को ये पता ही नहीं चला कि हमारे कमांडोस ने वहाँ पर पैरा ड्रॉप कर दिया है और उनका रिस्पॉन्स टाइम बहुत ज़्यादा लेट हो गया था यहाँ पर आपको बता दें कि जैसे आर्मेनिया और अजरबैजान में ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया है और वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ है उसका कारण एक ये भी है कि वहाँ पर उन देशों के पास ज़्यादा पावरफुल इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम नहीं है जो कि ऐसे ड्रोन्स को जैम कर सके लेकिन भारत के पास ऐसी केबिलिटी बहुत हद तक अवेलेबल है यही कारण है कि हमारे अगेंस्ट ऐसे ड्रोन बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे क्योंकि हमारे पास ऐसे इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम होंगे जो कि इन ड्रोन्स को जैम कर देंगे और उनकी कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जरूर लाइक और शेयर करें थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो जय हिंद जय भारत